बसमिल्लाहमन रहीम आज हम सीखने वाले हैं नॉन वर्बल क्वेश्चंस जो कि हमारे इनिशियल टेस्ट का पार्ट होते हैं तो जैसे ही आप वर्बल टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं तो आपके सामने जो टेस्ट आता है वो नॉन वर्बल का होता है सबसे पहले आपका वर्बल लिया जाता है फिर नॉन वर्बल और अगर आप ये दोनों पास कर लें तो आपको कैडमिक टेस्ट जो है वो लिया जाता है आपसे तो ये क्वेश्चन ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि कुछ लोग जो है वो इंग्लिश में जो है अच्छे होते हैं और वो जल्दी से क्वेश्चन आंसर करके पढ़ के वर्बल का और वो जल्दी से आंसर कर देते हैं तो जो लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं होते तो वो जो है इस टेस्ट में जो है वो अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं तो इसलिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है सिक्सटी फोर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो कि आपने थर्टी मिनट्स में करने होते हैं अगर हम इस टाइम को डिवाइड करें ट्वेंटी एट सेकेंड जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आता है लेकिन आप इसे ट्वेंटी एट सेकेंड में नहीं बल्कि ट्वेंटी फाइव सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि आपके पास टाइम बच जाए और अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया हो आप उसे टाइम अच्छे तरीके से सॉल्व कर करें तो ये आपको कंप्यूटर पे कैसे शो होता है बिल्कुल ऐसे ही शो होता है सबसे टॉप लेफ्ट टॉप राइट पे जो है वो टाइम शो हो रहा होता है आपका नेम शो हो रहा होता है रोल नंबर शो हो रहा होता है क्वेश्चन नंबर शो हो रहा होता है ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी होती है और ऐसे ही क्वेश्चन शो हो रहा होता है लेकिन उसका यहाँ पे लिखा हुआ है टू इज द करेक्ट आंसर लेकिन वहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होता और जैसे ही अगर अगर आप किसी अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस का बटन दबाएं जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करें और अगर आप जैसे आप टेस्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो आप उसे फिनिश करें स्किप का मैं आपको बताता हूँ स्किप पे जब आपको कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगे और आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो आप जो है उसे छोड़ के बाद में भी कर सकते हैं तो आप स्किप दबा दें जैसे आप स्किप दबाएंगे तो वो ये जो अन अटेम्प्ट वाला बॉक्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए यहाँ पे अपीयर हो जाएगा आपका क्वेश्चन और आप कभी भी क्लिक करके उसे सॉल्व कर सकते हैं अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारी आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं देखे डब्बे भने हुए हैं और उसमें पहले बॉक्स में एक लाइन है जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे है तो लेकिन सेकेंड बॉक्स में क्या हुआ है लाइन एक ही है और वो सेंटर में आ गई है और फिर क्या हुआ है कि लास्ट में लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें क्या हुआ है कि जो लाइन है वो बिल्कुल जो है लेफ्ट लेफ्ट साइड

लाइन है और फोर देखें तो उसमें तो वन लाइन है तो ये तो हो नहीं सकता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ करेक्ट हुआ हमारे पास फाइव ऑप्शन दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल जो है वो रिपीट हो चुके हैं और ये बिल्कुल वैसे ही है, जो जैसे जो है आपको टेस्ट में आएंगे देखें तो क्या है हमारे हमें एक जो है वो स्पेस खाली दी गई है और कहा है कि वो ढूंढो वो कहा वो इस बॉक्स में अगर हम पुट करें तो ये बॉक्स पूरा हो जाए तो अब देखें आप इसमें क्या है डॉट्स जो है वो डिसअपियर हैं और वन टू थ्री फोर फोर लाइंस के डॉट्स जो है वो मिस हैं तो और फाइव फिफ्थ लाइन का सिर्फ एक डॉट मिस है तो हमने क्या करना है हमने फाइंड करना है फर्स्ट वाले में देखें फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और हमारा ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली क्योंकि थ्री में सिर्फ फोर डॉट्स है और फोर में फोर ऑप्शन में सिर्फ एक डॉट है तो वो नहीं हो सकता तो ऐसे क्वेश्चन जो आए आसान आते हैं तो आप उन्हें जल्दी से जो है सॉल्व करें और पैनिक होकर गलत ऑप्शन ना चूज़ कर लें क्योंकि वो जब आसान देते हैं तो वो ऑप्शंस जो हैं वो मुश्किल कर देते हैं उनमें जो है वो थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ी होती है तो आप जो हैं वो पहले देखें अच्छी तरह क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें एग्जाम्पल uh, थ्री हम देखें तो एग्जांपल थ्री में क्या है वैसे हमें एक बॉक्स जो है वो दे दिया गया कि पुट uh, करें तो अब कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं जल्दी से जब पैनिक होता है इंसान घबरा के जो है फर्स्ट ऑप्शन देखें उस फर्स्ट ऑप्शन में क्या लग रहा है कि वैसी लाइने हैं और मिस हैं लेकिन लाइनों में फर्क क्या है कि वो वाली जो लाइन जो हमें ढूंढनी है वो क्या है हॉरिजोटल और लेकिन जो लाइन हमें वन बॉक्स वन ऑप्शन में दी गई है वो क्या है वर्टिकल है तो ये ऑप्शन जो है हमारा नहीं हो सकता सेकेंड देखिये ये हमें नहीं चाहिए लाइन जो है अपनी ब्लैक चाहिए और वैसे जो बॉक्स हो वो व्हाइट हो नहीं हो सकता तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है आंसर थ्री अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल थ्री पे एग्जाम्पल थ्री पे आप देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि जो शेप है उसका जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट जो है वो कलर है और वो क्या है सेकंड में क्या है टू कलर है और थर्ड में क्या है थ्री कलर है और वो एक सीक्वेंस से जो है वो अपने डाउन लेफ्ट राइट साइड को जो है वो नीचे को होते जा रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन में देखिये सेकंड में भी ये हो रहा है कि पहले पहले में फर्स्ट कलर है और दूसरे में टू कलर्स हैं और तीसरे में थ्री कलर्स हैं नीचे वाले में भी सेम सीक्वेंस दिया गया है तो हम सीक्वेंस जुड़े पहले में सिर्फ एक है लेकिन हमें कितने चाहिए तीन कलर बॉक्सेस चाहिए तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता सेकंड भी नहीं हो सकता थर्ड भी नहीं हो सकता फोर जो है हमारा आंसर होगा अब मैं क्या करता हूँ देखिए मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं अपने जहन में रखता हूँ कि हमें थ्री बॉक्सेस जो हैं ये जितनी भी चीजें हैं वो चाहिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है अगर आपने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप चीजें माइंड में रखें कि थ्री कलर बॉक्सेस चाहिए हमें तो देखिए अब इसमें वन दिए हुए थे किसी में टू दिए गए थे तो आप क्या है इस, इस ऐसे आप जल्दी से जो है वो और दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके गलत करके तो आप अपना राइट आंसर जो है वो जल्दी से ढूंढ लेते हैं हमें एक मुश्किल थोड़ी सी एग्जाम्पल दी गई है तो आप क्वेश्चन पे गौर करें तो क्या है कि जैसे ही जो है लाइनें एक जगह पे मिल रही हैं वहां का एरिया जो है वो डार्क कलर है तो अब आप जो है उसे एक दफा गौर से देख लें अब हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ भी डार्क नहीं है सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी कुछ डार्क नहीं है अब देखें थर्ड वाला जो है उसमें डार्क है लेकिन आप पहले वो वाले देख लें जिसमें कोई कलर नहीं है फोर्थ में भी कोई कलर नहीं था और सिक्स में है लेकिन बहुत नैरोस है तो आप देखें क्या है एक आ, इतनी बड़ी जो है वो लाइनें जो हैं इतने बड़े एरिया पे जो है वो लाइनें मिल रही हैं तो आप जो है वो देख लें बड़े एरिया सबसे पहले डार्क कौन से हैं वो कौन सा है थ्री और फाइव मतलब हमारा सिक्स भी नहीं हो सकता अब थ्री और फाइव में फ़र्क क्या है आप देखें कि एक सीक्वेंस है आप अगर लेफ्ट साइड से जो है वो नैरोर होना चाहिए और फिर एंड पे जाके क्या है वो एक्सपेंड हो रहा है कलर तो अब थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है कि लेफ्ट लेफ्ट जो है वो एक्सपेंड है और राइट right जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है नैरो हुआ हुआ है तो हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जो लेफ्ट साइड से पतला हो और राइट साइड से क्या है वो एक्सपेंड हुआ हो तो हम क्या है अपना थर्ड आंसर थर्ड ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट कर अगर आप भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पी एम ए लॉन्ग कोर्स विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें ताकि जैसी कोई न्यू वीडियो आए आपको मिल जाए